हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी हम रेडी वेडी हो गए हैं, तो हम कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगी। सस्पेंस है, थोड़ा सबर करो, धीरे धीरे पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पूरा देखना, अगर मैं अभी बता दूंगी तो आप वीडियो पूरा कैसे देख पाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप चैनल पे बने रहिए, तो आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं। जी हाँ, मैं, मम्मी और दीदी सब जा रहे हैं। तो मम्मी वहाँ पर रेडी हो चुकी है, हमारी वाटर बैग भी आ चुकी है और हमारा सामान हमारे रूम में रखा हुआ है। चलो दिखाते हैं, लेट्स गो। तो देखिए यहाँ पर सब के सब रेडी। ओ देखो, वो देखो, सब इतने जल्दी जल्दी में है कि क्या पता है, क्योंकि ट्रेन भिलाई तक पहुँच चुकी है। जी हाँ, हम ट्रेन पर जा रहे हैं, तो अभी स्टेशन जाना है, अभी ऑटो बुलवाने जाना है। तो दीदी जाएगी, भूमिका दीदी, ऑटो को लेने के लिए। उसके बाद ऑटो आएगा, हम अपना लगेज, ये रहा मेरा लगेज, ये ऐश्वर्या दीदी का लगेज, ये मम्मी का, मतलब बहुत सारा सामान हो गया। एक्चुअली हम किसी फंक्शन पर जा रहे हैं। जी हाँ, तो हम लगेज लेकर जा रहे हैं। और ये हमारा चुन्नू मुन्नू, हेलो मंत्र, अपने मंत्र से मिला, वो अभी मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ये रही मम्मी, हेलो मम्मी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, खुश रहो। मम्मी भी जल्दी जल्दी में, सब जल्दी जल्दी में। एक्चुअली ट्रेन बहुत पास आ चुकी है और अभी हम घर से निकले नहीं, तो सब जल्दी में। तो अब हम भी यहाँ पर कैमरा ऑफ करते, स्टेशन जाकर बनाते, बाय बाय। हम स्टेशन पहुँच चुके हैं, देखिए सब ट्रेन का वेट करते हुए बैठे हुए हैं यहाँ पर। कैसा लग रहा है ट्रेन का वेट करके? एकदम घर से तो ऐसा जल्दी जल्दी कर करके निकले ना, यहाँ के वेट करना पड़ रहा है। देख रहे हो इन लोगों को, बस जल्दी जल्दी करके निकल चले। आखिर करना क्या पड़ रहा है, ये देखो हमारा लगेज यहाँ पर रखा हुआ है। लगेज दिख रहा है आपको पीछे, ये रहा लगेज। तो लगेज के साथ हम जा रहे हैं, इतना सारा लगेज लेकर की शादी में जो जाना है। तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताएंगे जल्दी ही, कल पता चल जाएगा। वेट, तब ट्रेन का वेट करते हैं, वो आएगी और हम जाएंगे। तू चौ जाए, भूमा जाए, ते आंसू लगा रही हो, आंसू है हाथ में, बताओ जी। नख रहेंगे। अरे रे, कोने करिया, आ कोने करियो है? माछी, माछी या इसको, माछी ये करियो, तार चौ जाऊ भूमा, सुख लाइस तू भूमा जैन सु करिश, मम खाओ, मम खाओ चियो, मम खाओ तारे, आ ओए ओए जो, ओए जो सु चियो, मम खाओ कप, कॉकेट, कप कॉकेट नहीं, चॉकलेट ले, चॉकलेट के भाई बोल, चॉकलेट, चॉकलेट, पछी बिजू हैपेट है, चिकट चॉकलेट तो ठीक छे, बिजू सु खाऊवे। तो देखो ये दीदी यहाँ पर कैसा लग रहा है, आप एकदम थके हुए लग रहे हो, एंजॉय नहीं है आपको, मजा नहीं आ रहा है, जा रहे हो तो खुश नहीं हो आप? धूप लग रही है बहुत, बहुत गर्मी है ना राजनांदगांव में, बहुत बहुत गर्मी है राजनांदगांव में। मम्मी गर्मी बहुत है क्यों? देखो मंत्र बाबा हमारे लाल पीले नीले हरे हो चुके हैं और यहाँ मालगाड़ी आई है। अभी हमारी ट्रेन तो नहीं आई है, लेकिन मालगाड़ी जरूर आ गई है और ये मालगाड़ी का वेट कर रहा है। मालगाड़ी कहते कौन? तो देखो अब हमारा बोर्डिंग लग चुका है उधर S7, तो हम जा रहे हैं S7 में और हमारी ट्रेन वहाँ दिख चुकी है हमें, जो धीरे धीरे इंजन तो दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो हम जल्दी से जल्दी अपने S7 में पहुँचते हैं, वहाँ पर गाड़ी आएगी, फिर हम लोग बैठेंगे। चलो, तो देखिए हमारी ट्रेन आ रही है, आ रही है, और 3 2 तो ये देखिए आ गई हमारी ट्रेन, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आ चुकी है सांतरागाछी, क्या लिखा हुआ है पता तो नहीं, बट ट्रेन आ चुकी है। तो अब हम जल्दी से अपने डब्बे में बैठते हैं। जी हाँ, तो देखिए हम सब ट्रेन में बैठ चुके हैं, मम्मी अपना फ़ोन लेकर बैठ रही है और यहाँ पर मंत्र महाराज सो गए, देखो। तो ये बंदा हमारा सो चुका है वहाँ, हार्विंग उनकी मम्मी की गोदी में सो चुकी है और मम्मी फ़ोन चला रही है। और हमारे साथीदार ये सब हैं, फैमिली, ये हमारे साथीदार हैं। ये रही मैं, देखो ये मैं यहाँ पर एकदम सुसाइड से एक मंत्र की गोदी, मतलब गोदना अपनी गोदी में मंत्र को रखी हुई हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी ज़्यादा हिल मिल नहीं सकती हूँ। तो अभी हम प्रॉपर अच्छी तरीके से बैठ चुके हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम एक्चुअली जहाँ कहाँ पर हैं। ओके बाय बाय। तो ये सूरत, अभी अभी हम पहुँच चुके हैं सूरत, लास्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाली है मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। वेट एंड वॉच।
थी, उसके बाद अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में तो वैसे ही फुटेज अच्छी नहीं आती है, सो मैंने स्टॉप कर दिया करना वहाँ। मतलब रात हो गई, उसके बाद हम सो गए सोने के बाद। फिर अब जाके हम मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ट्रेन थोड़ी स्लो हो गई। थैंक यू सो मच ट्रेन जी, लोको पायलट को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने ट्रेन स्लो कर दी है, इसी वजह से हम अच्छे से वीडियो ले सकते हैं। जी हाँ, तो अभी ट्रेन का सफ़र चल रहा है, बट बहुत ज़्यादा रश है ट्रेन में, बहुत ही ज़्यादा। और मैं ये प्रीफर करूँगी कि आप देख रहे हो हालत में, तुम्हें भी अभी आना था, बाजू वाली ट्रेन थी, एक ट्रेन के बाजू में दूसरी ट्रेन वापस से आ जाती है इस तरीके से, तो वो आ चुकी है ना, तो मुझे ऐसा इरिटेशन होने लगा कि क्या बताऊँ मैं अब। तो चलो अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, अभी और जर्नी स्टार्ट होने बची है। यहाँ से हम एक स्टेशन आएगा जहाँ पर हम उतरेंगे, वहाँ पर उतरने के बाद फिर पता चलेगा कि आखिर जा कहाँ रहे हैं। यस, अब जिनका स्टेशन आ चुका है वो तो उतरेंगे ही ना, अब तो वो उतर चुके, उतरने वाले हैं सूरत पे, और हमारा स्टेशन अभी आएगा, नेक्स्ट स्टेशन हमारा है, तो फिर हम भी उतर जाएंगे। जी हाँ, अभी सो के उठे ना तो आँखें कैसी दिख रही ना जी, तो प्लीज़ इग्नोर माई आईज। ओके, चलो बाहर का सीन दिखाते हैं, व्यूज मेरे को देख देख के भी बोर हो गए होंगे आप लोग, तो अब आगे का सीन दिखाती हूँ। पता है जब से मैं उठी मुझे ना चाय पीने की बहुत इच्छा है, बट चाय अभी हम नेक्स्ट सूरत का जो स्टेशन आएगा वहाँ पर ही चाय पियेंगे और कुछ नाश्ता करेंगे स्टेशन पर ही। तो चलो अब बाहर का व्यूज देखते हैं, हम आपको भी दिखाते हैं। सी दिस ब्यूटीफुल व्यू, पटरी ही पटरियाँ, ये सीन भी ना कुछ अलग ही देखने को मिलता है आपको। वाओ, उगता हुआ सूरज। और हाँ, अपनी लाइफ में हमेशा उगता हुआ सूरज देखना चाहिए, देखिए आप उगता हुआ सूरज। और यहाँ पर शायद कुछ कुछ वर्क चल रहा है, कर रही थी आप लोगों से जी हाँ सूरज के बारे में। तो उगता हुआ सूरज आप सबको हमेशा देखना चाहिए, देखो जैसे मैं देख रही हूँ। हाँ, लेकिन 6 बजे का जो सूरज होता है वो देखना चाहिए। कौन मंत्र सुखाए कुरकुरे खा, मम खाए कुरकुरे खा रहा है। और यहाँ पर मम्मी कैसा लग रहा है? आपकी खुशी दिखाओ, खुशी की कितने खुश हो आप? बहुत खुश हो गुजरात जाने। अरे यार नहीं बोलना था अभी, शिट मम्मी ने पूरा पोपट कर दिया, अभी नहीं बताना था कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलो अभी मम्मा ने सिर्फ गुजरात बताया है, कौन सी सिटी है वो आपको मैं लास्ट डेस्टिनेशन पहुँचने के बाद बताऊंगी कि कौन सी सिटी है। मम्मी ने सिर्फ आपको आधा आधा बताया सिर्फ गुजरात, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी। कोई बात नहीं मम्मी, आपने पहले से एक्सपोज कर दिया, तो अभी भी एक चीज बची हुई है जो गुप्त है, वो धीरे धीरे पता चलेगी आपको। ओके, अब भरूच आने वाला है, ये जय हो ठाकुर जी मंदिर, ठीक है, जय श्री कृष्णा। ये देखिए हरी भरी घास, मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि हमें हमारे ग्रीनरी के साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारना चाहिए, और वही ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और ट्रेन में बैठो तो आजू बाजू हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखती। वाओ, बेर का पेड़, कितने सारे बेर लटके, आई लव बेर, मुझे ना बेर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए टाइप का माहौल दिखाई दे रहा है मुझे, थोड़ी थोड़ी सुबह है, बट यहाँ पे ना ठंड बहुत ही ज़्यादा है गुजरात में, जिसकी वजह से ना यहाँ अभी तक ओस है। जी हाँ, कहीं दूर अगर आपको दिख रहा होगा ना तो थोड़ी थोड़ी धुआं धुआं टाइप दिख रहा है, ओस गिर अभी तक है क्योंकि ठंड है यहाँ पर। जी हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में तो इतनी गर्मी है कि क्या बताएं हम आपको, बहुत गर्मी है वहाँ पर, तो मतलब इतनी भी गर्मी नहीं है क्या बताएं आपको वाला, बट गर्मी है वहाँ, स्वेटर पहनने की नीड नहीं पड़ती। बट गुजरात है तो यहाँ पर सुबह सुबह से ही ठंड लगना ना स्टार्ट हो ही गया हमको, देखो ना अभी दूर दूर का धुआं ही धुआं दिख रहा है। ये जेसीबी, किसको जेसीबी की खुदाई देखनी है, लो देखो जेसीबी की खुदाई, ये रही जेसीबी, और ट्रैक्टर भी है, जेसीबी की खुदाई देख रही चल रही है यहाँ पर। आ जाओ जल्दी आओ। और यहाँ हमारी हारू मैडम उड़ रही है, हारू चले वाली हारूडी हसी सुकले चक्का।
चौ जाए नाचे नाचे राधे 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 देखो वो नाच रही है अपने धुन में गाना गा रही है अपनी भाषा में वो गाना गा रही है नाचो नाचो ओ नाचो 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 हारू हारू के ताता हारू टट्टो टट्टोड़ी हारू टट्टो टट्टोड़ी हंसी हंसी ये मुझसे बच्चे हंसते भी है वाह चलो टैलेंट जो है बच्चों को हंसाने का और यहाँ पर आ चुकी है नर्मदा नदी ये नर्मदा नदी है और आपने जो मेरी स्टोरी में देखा था पहले वाली वो थी तापी नदी और ये नर्मदा नदी जय माँ नर्मदा नदी जय माँ नर्मदा भलू कर जो बतहनु ये कितना सुंदर दृश्य लग रहा है ये पाओ इतनी लंबी है माय गॉड खत्म ही नहीं हो रही यार देखो नाव भी है वहाँ पर छोटी छोटी सी दिख रही होगी आप लोग को तो कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को देखो 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 दिखी रफी मेरी भी आ गई अब यहाँ पे कीचड़ का असर दिख रहा है यार ये ब्रिज कितना लंबा बनाया गया है ब्रिज ख़त्म ही नहीं हो रहा देख रहे ब्रिज ख़त्म कब होगा देखते हैं ब्रिज कब ख़त्म होगा ब्रिज कब ख़त्म होगा ब्रिज ख़त्म नहीं हो रहा होगा 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 लोग भी खड़े हैं यार ब्रिज में देख रहे हो मतलब ये एक बड़े देने के लिए है यहाँ पर स्पेस देखो ये रहा यहाँ पर ब्रिज में ना लोग खड़े हो सकते हैं मतलब बड़े सावधानी से अपना फोन पकड़ते हुए क्योंकि अगर गिरा तो वापस आने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं चलो फाइनली यहाँ पर ब्रिज ख़त्म होता है शायद यहाँ फाइनली यस ख़त्म हो गया ब्रिज तो ये नर्मदा नदी थी आपको जो मैंने दिखाया तो कहते हुए ब्लॉग में वो थी नर्मदा नदी हमारा स्टेशन आने वाला है और मैंने यहाँ पर अपने हाथों में मेहंदी लगा ली बैठे बैठे टाइम पास कर लिया मैंने सिंपल सोबर मेहंदी लगा ली है मैंने और यहाँ मम्मी रेडी होती गुजरात में ठंड बहुत है मैंने बताया इसके मम्मी ने देखो पूरा स्वेटर और सब कुछ कह लिया ये हमारा लगेज जो कि इस वाले डोर से बाहर जाएगा स्टेशन में उतारेंगे इस लगेज को जी हाँ तो डायरेक्ट मैं लगेज उतारने के बाद आपसे मीटअप करूँगी इसलिए अभी से मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो तब तक के लिए वेट करें आप क्योंकि तो मैं उतारते कैसे हैं ये सब नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे भी उतारना है एक्चुअली और मुझे अपनी मेहंदी भी सुखानी है दैट्स व्हाई हम उतर जाएंगे उसके बाद ब्लॉग बनाएंगे हम लोग 12 बजे उतरे हैं कौन से स्टेशन पे हम सब उतर चुके हैं और हमारा लगेज भी यहाँ पर आ चुका है तो हम उतर गए हैं अब वेट करते हैं कि हमें लेने कौन आ रहा है जी हम कॉल लगाते हैं और फिर दिखाते हैं कि लेने आ कौन रहा है आप पहचान पा रहे होंगे इसको ये है कौन सी जगह है क्या आप जानते हैं इस जगह को देखिए इस जगह को गौर से देखिए इस जगह को क्या आप पहचान पा रहे हैं हाँ या नहीं मैं जवाब दे दीजिए भाई जल्दी वरना मैं तो खैर बताऊंगी आपको थोड़ी देर में कि ये है कौन सी जगह बट आप पहचानने की कोशिश तो करिए फिर मैं दिखाती हूँ फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्ट मैं आई कहाँ पर हूँ इतने देर से मैं आप सबसे छुपा रही हूँ लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैं हूँ वडोदरा में जी हाँ हम अभी उतरे हैं जस्ट अभी वडोदरा के स्टेशन पर और यहाँ से हमें पिक करने के लिए आ रहे हैं मेरे मामा और विशाल दवे जी हाँ तो ये दोनों हमारे साथ आ रहे हैं उसके बाद फिर आगे की जर्नी तय करनी है फिर हम इसके आगे जाएंगे अब मैं आपको वडोदरा का पूरा स्टेशन दिखा देती हूँ एक बार में वडोदरा का स्टेशन जी हाँ इतना सुंदर ये देखिए मैं आपको वाइड एंगल लेके पूरा 0.5x पे दिखा रही हूँ जी हाँ ये देखिए ये है वडोदरा का स्टेशन कितना सुंदर आ रहा है ना मेरे फ़ोन में आईफोन का कमाल ये तो चलो अब हम यहाँ पर पहुँच के अब आगे की जर्नी तय करते हैं तो अभी हम आए थे चाय लेने के लिए जी हाँ मम्मी और दीदी स्टेशन पर वेट कर रहे हैं क्योंकि विशाल दवे जी ऑलवेज हमेशा की तरह लेट हो चुके हैं आने में स्टेशन वैसे भी उसके फ्रेंड्स लोगों से पूछो कि वो कितना लेट होता है हर जगह तो हमें खुद ही जाना पड़ रहा है लेने के लिए
और वेट करना पड़ रहा है विशाल दवे का। जी हाँ, तो विशाल दवे आएंगे फिर हम उनके साथ जाएंगे। तो अभी तब तक के लिए चाय पिलाते हैं अपने मम्मी पापा को, और सॉरी मम्मी एंड दीदी को, पापा तो राजनांदगांव में हैं। तो चलो अब हम उन्हें चाय पिलाते हैं, नाश्ता करवाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। दवे है ना अभी तक नहीं पहुँचे हमें लेने के लिए, और मंत्र महाराज जब भी झंडा देखते हैं उनका हाथ ऐसे चढ़ जाता है। देख रहे हो सामने झंडा लहर रहा है, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये उसको फॉलो बहुत अच्छे से करते हैं। और मम्मी कैसा लग रहा है वेट करके विशाल दवे, आपका बेटा हर बार की तरह लेट आती आता है ना? सही बोलती है ना शैली और सब लोग, उसके फ्रेंड लोग, विशाल हमेशा आलसू है ना इसीलिए लेट आता है। कैसा है आलसू? क्या बोले सुनाई नहीं दे जोर से। आलसी और अरे लेट आता है। तुम चुप रहो अभी, मम्मी मस्त बुराई कर रही है विशाल की। और बोलो बस, और हो गया, और ज्यादा बुराई नहीं करना चाहिए। मातृ प्रेम जागृत हो चुका है, क्या बात है। और बोलो ना मम्मी कुछ तो बोलो। प्लेन जा रहा है, अरे वाओ एरोप्लेन कितना नीचे से जा रहा है। अगर तो देखिए विशाल दवे इतना वेट करवाते कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत ज्यादा वेट करवाता है विशाल दवे। सो फाइनली इतना वेट करवाने के बाद ये महाशय अब जाकर यहाँ पर आए हैं। इतना वेट, सही बोलते सब लोग, विशाल दवे इज ऑलवेज लेट होता है, ऑलवेज। उसका काम ही है लेट आना, हर बार लेट आने का काम है उसका, ये उसको टैग मिलना चाहिए लेट आ, लेट पर्सन, हमेशा लेट आता है, लेट आ, लेट, लेट। अरे मेरी गलती नहीं है, मैं तो आ गया। कैसे हो? एकदम बढ़िया, तुम कैसी हो? देखो मुझे लेने के लिए कौन है, नीलम, नीलम जी हमें लेने आई है। तो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। हेलो बोलो। हाय, दोनों हाथों से। हाँ दोनों हाथों से, कितना प्यार करती है तुमसे, दोनों हाथों से हाय बोल रही है। तो चलो अब यहाँ पर मेल मिलाप हो रहा है, अब हम मैं यहाँ पर अपना वीडियो ऑफ करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो ऑफ कर दी, विशाल दवे का ब्लॉग आगे कंटिन्यू होगा। ओके, सो बाय बोल दो सब, बाय 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 बाय।